हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रथम विश्वकर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिलुएट फोटोग्राफी क्या है। तो सिलुएट फोटोग्राफी बेसिकली एक पिक्चर है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो फुल्ली ब्लैक रहता है और आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कलरफुल रहता है। तो आपको ऐसा बोल के शायद पता नहीं चल रहा है कि किसको बोला जाता है। तो बेसिकली मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए दिख रहा होगा डिस्प्ले पे फोटो। ये फोटो में जो ट्री है वो ट्री फुली ब्लैक दिखाई दे रहा है और जो सन है वो लाइट दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड का जो स्काई है वो फुली ऑरेंज और रेड में मिक्स है। तो इसको आप एडिटिंग कर सकते हो लाइटरूम की मदद से और इसी टाइप का फ़ोटो को सिल्वेट फोटोग्राफी बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस फोटो को, जो ट्री है वो पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है और जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट पूरा ब्लैक हुआ और आपका बैकग्राउंड जो हुआ वो कलरफुल हुआ तो उससे तो इन दोनों को मिला के ही सिल्वेट फोटोग्राफी बना जाता है। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सिल्वेट फोटोग्राफी किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ सिल्वेट फोटोग्राफी की बेसिक टिप्स जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये बात करते हैं सिल्वेट फोटोग्राफी के बेसिक टिप्स और आप कहाँ कहाँ और कब कब सिल्वेट फोटोग्राफी कर सकते हो, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आप टू टाइम्स सिल्वेट फोटोग्राफी बहुत अच्छे से ले सकते हो। एक जब सन निकलता है, सनराइज होता है, और दूसरा जब आपका जो सन इवनिंग का टाइम होता है जब सन डूबता है तब आप बहुत ही अच्छा शूट कर सकते हो सिल्वेट फोटोग्राफी। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ सिल्वेट फोटोग्राफी इवनिंग को, क्योंकि इवनिंग को सनसेट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उस टाइम को ही सिल्वेट फोटोग्राफी बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आप तब सिल्वेट फोटोग्राफी कर सकते हो।